दिल्ली के बार में बवाल, बार में की फायरिंग, पर्स पर हंगामा, ये हलचल मची है दिल्ली के पौश इलाके कालका जी के मोका बार में। और यहाँ पुलिस ढूंढ रही है एक गुनाह का निशान। बार की अलमारी में बना ये गोली का निशान दिन दहाड़े की गई फायरिंग का है। इल्जाम है कि ये फायरिंग मेरठ के पास सरथना के विधायक चंद्रवीर सिंह के बेटे विवेक ने की है। उसके बाद इस लड़के का भाई वो आया मैनेजर के साथ, इसकी कार सुनी हुई और गोली चला दी। कल रात यहाँ पर एक महिला आई थी और सुबह आज उनका फोन आया कि उनका पर्स यहाँ इस बार में छूट गया है। और जब यहाँ के होटल के स्टाफ ने मना किया कि आपका कोई पर्स यहाँ पे नहीं छूटा है, उसके बाद वो यहाँ पे खुद इस बार के अंदर आ गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बार के बाहर खड़ी विधायक लिखी इस कार को जब्त कर लिया, लेकिन विधायक का कहना है कि उनके बेटे ने गोली नहीं चलाई है। हिमांशु मिश्रा के साथ नितिन जैन, दिल्ली आज तक। जयपुर में ट्रांसपोर्ट नगर इलाके के एक छोटे से कमरे में हो रहा था नकली दवाओं का बड़ा कारोबार। दुनिया के कई मशहूर दवा कंपनियों के बड़े ब्रांड इस छोटे से कमरे में पैक किए जाते थे और पैकिंग ऐसी कि असली दवा बात खा जाए, लेकिन दवा की शीशी के भीतर भरा होता था ये जहरीला घोल। खांसी के लिए ली है और खांसी के लिए इफेक्ट नहीं कर रही है, एंटीबायोटिक आपने ली है, माइक्रोब्स को मारने के लिए ली गई है और वो उसको काम नहीं करेगा तो जो उसका डिसीज है वो बढ़ जाएगा और गंभीरता बहुत ज्यादा हो जाएगी। उसको जयपुर के मेडिसिन विभाग ने और पुलिस ने यहाँ पकड़ा है। इस तरह से नकली दवाओं का एक बड़ा कारोबार यहाँ पर चल रहा था और हमारे और आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। यहाँ पकड़ी गई नकली दवाओं की कीमत लाखों में है और ये लोग जितनी सफाई से नकली दवाओं के सूरत धंधे को अंजाम दे रहे थे उससे तो यही लगता है कि इनका रैकेट काफी बड़ा है। अब पुलिस इस तफ्तीश में जुटी है कि नकली दवाओं की ये खेप कहाँ कहाँ भेजी जाती थी। शरद कुमार, जयपुर आज तक। इस शख्स की तलाश दिल्ली पुलिस को पिछले 2 सालों से थी। विकास शर्मा दिल्ली और आसपास के राज्यों में नकली दवाओं के काले कारोबार का बड़ा खिलाड़ी है। देर से ही सही, लेकिन जब विकास पुलिस की पकड़ में आया तो उसके साथ नकली दवाओं की एक बड़ी फैक्ट्री का भी खुलासा हो गया। ये फैक्ट्री गोकुलपुरी इलाके के इसी मकान में चलाई जा रही थी। 22/12 को वो सोनीपत में कुछ स्पूरियस ड्रग्स डिलीवर करने आएगा, इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे रेडिंग पार्टी भेजी गई और वहाँ से विकास शर्मा को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अप्रैल 2007 में ही इस ड्रग रैकेट के 4 धंधेबाजों को धर दबोचा था, लेकिन सरगना विकास शर्मा फरार था। आखिरकार एक गुप्त सूचना पर पुलिस ने अब उसे सोनीपत से गिरफ्तार किया। अब पुलिस उससे इस काले धंधे के तमाम राज उगलवा कर ये जानने की कोशिश में है कि आखिर उसकी करतूत से कितना नुकसान हुआ और कितने लोग बेमौत मारे गए। दिनेश गोस्वामी के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, दिल्ली आज तक। देर से ही सही, लेकिन ठंड ने दस्तक दी तो अचानक ही लोगों को ठंड भगाने का इंतजाम करना पड़ा। ये नजारा है लखनऊ का। दिसंबर महीने के आखिर में आखिरकार मौसम ने मिजाज बदला और लखनऊ और आसपास के इलाकों में अचानक जबरदस्त ठंड की दस्तक पड़ी। ये ठंड का ही असर था कि दिन चढ़ने के बावजूद लखनऊ की सड़कें खाली खाली नजर आती रही। जी ठंड पहले से बढ़ गई है, मालूम नहीं था पहले इतना ठंड पड़े, अब की उससे ज्यादा बढ़ गई है। ठंड बढ़ने के साथ ही स्वयंसेवी संस्थाएं भी सजग हो गई हैं, जिन्हें उन लोगों की फिक्र है जिनके नसीब में छत नहीं और जो सर्दी की रात ठंड में ठिठुरते हुए गुजारने को मजबूर होते हैं। एक एनजीओ ने सर्दी बढ़ते ही कंबल बांटकर लखनऊ के बेसहारा लोगों का सहारा बनने की कोशिश की। अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।